बहुत दिनों बाद फिर मैं वापस आया हूँ, रूप नया मगर दिल वही लाया हूँ। सबसे पहली बात कि आपकी कविताएं दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही हैं, बढ़िया होती जा रही है। मुझे लगता है आपको ये काम धाम बंद कर कविताएं लिखना शुरू कर देना। बहुत शुक्रिया फिर से। मेरे साथ एक ऐसी परी है जो मेरी कहानियों को सच कर रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। कोई मुझे परी अब तक नहीं बुलाया है और डेफिनेटली माय हस्बैंड हैज़ कॉल मी अ परी। दैट्स सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू। यू बहुत खूबसूरत लग रही हैं एज यूजुअल। थैंक यू। और उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, इज हियर इन दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली में। मैनी कंग्रेचुलेशन जो आपके लाइफ में नया अचीवमेंट है। थैंक यू। टेक अस फॉरवर्ड टू दैट। तो मिस्टर हैंडसम फरहान अख्तर हुसैन डेली, एंड बहुत खूबसूरत लगे गर्मी में आप जैकेट में। पहली बार मुझे किसी ने खूबसूरत बुलाया, बट थैंक यू। एक बार बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, एंड जो माहौल आपने बनाया है वो देखकर आपको मजा ही आ गया। सबसे पहले तो आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी हिंदी बहुत बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया। एंड सुकून इत्मीनान मान नवान वो है हमारे साथ आयुष्मान, जो आज है दिल्ली में लुकिंग वेरी हैंडसम एज यूजुअल। वेलकम टू दिल्ली आयुष्मान। से पहले आपको मालूम चलेगा कि क्या आता है, वो है साहबजादे, वो है इरफान अली खान। एक खास मेहमान रेनू टंडन के फैशन शो में पहुंचे हैं, जिन्होंने हमेशा से हिंदुस्तान की जनता को हंसाया है, स्वस्थ व्यस्त मस्त चुस्त रखा है। वो है हमारे वन एंड ओनली मिस्टर गोविंदा, हम जानते हैं सनी सिंह के नाम से। और लेट्स वेलकम हिम। हाय गाइस, हाउ यू डूइंग। हम बुलाना चाहेंगे रौनक कुटेजा को। आई एम मैन ऑफ बॉलीवुड गुलशन रॉय। Happening, the talented, the stunning. And यार कैमरा आ गया है, तुम्हें नहीं पता चला? ले, बताया नहीं इन्होंने? बात नहीं समझ रहे, कैमरा आ गया है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जॉब स्टार्ट हो रहा है। बहुत नेक है, तो कांग्रेचुलेशंस बिग हग। एप्रिल, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। रिदम मेरे भाई, कांग्रेचुलेशंस यार। कांग्रेचुलेशंस। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। एंड एज अ डॉक्टर आई वांट टू से यू स्टे हेल्दी है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी एंड वंस अगेन बेस्ट विशेस। कोच की क्या हाल है मेरा तेरे आका? बस कोच की क्या हाल है मेरा तेरे आका? कोई पूछे तुमसे कौन हूँ मैं, बस कह देना कुछ खास नहीं। एक दोस्त हूँ कच्चा पक्का सा, एक झूठ हूँ आधा सच्चा सा।